वीडियो आपके वनस्पति विज्ञान के तीसरे लेक्चर से संबंधित होगा। पहले वीडियो में यानी पहले लेक्चर में आपने प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, जहां पर आपको बताया गया था कि पौधों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो पहला वर्ग होता है उसे थैलोफाइटा, दूसरा होता है उसे ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा है एंजियोस्पर्म। दूसरे वीडियो में यानी दूसरे लेक्चर में मैंने थैलोफाइटा का आर्टिकल शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको 4 एग्जाम्पल लिखाए थे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और लाइकेन के बारे में। दूसरे लेक्चर में आपने बैक्टीरिया को समझा है। अब आपका दूसरा एग्जाम्पल शुरू होगा, जिसका नाम है कवक के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि स्टडी ऑफ फंगस, कवक को इंग्लिश में फंगस कहा जाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि किस शाखा के अंतर्गत हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रोफेसर पी माहेश्वरी, पूरा नाम है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि भारतीय कवक विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि तीसरे पॉइंट में, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स यहां पर मैं लिख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट या अपना नोट्स विधिवत बना रहे होंगे। तीसरा पॉइंट है कि कवकों की कोशिका भित्ति, ये सवाल पूछा जाता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से मिलकर के बनी होती है। तो लिखिएगा, कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल ऑफ फंगस जो होता है वो काइटिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तीसरा पॉइंट, कवक परपोषी होते हैं। परपोषी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हेटरोट्रॉफ, यानी कवक जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, तो कवक परपोषी होते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है कि परपोषी वो होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जीव जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और क्लोरोफिल की सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा और अपना भोजन खुद बना लेगा। लेकिन कवक एक ऐसा पौधा है जो परपोषी होता है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कवक बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात कई कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं, यानी कवक से हमें लाभ भी मिलेगा और हानि भी हो सकती है। हानि की अगर बात करें तो कवकों से कई रोग होते हैं और इन कवकों से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जैसे आप जानते होंगे कि चावल में या धान की खेती में एक रोग लग जाता है जिसे बोला जाता है अंगमारी
या कहीं कहीं पर इसे बोला जाता है कंडो रोग। तो ये जो चावल में कंडो या अंगमारी रोग होता है, ये कवकों के कारण ही होता है, जिसमें पूरा का पूरा धान की जो फसल होती है उसके जो फल होते हैं वो काला पड़ने लगता है, नष्ट होने लगता है। प्रश्न ये है कि कवक हमारे लिए लाभदायक क्यों है, या कैसे पता करेंगे कि कवक हमारे लिए लाभदायक है? तो कवकों से हमें कई लाभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप उसे लिखेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब भी कवकों से सवाल आता है तो खासकर ये सवाल जरूर पूछा जाता है, जो अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखाने वाला हूं। दोस्तों, लगभग 1930 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। कवक का नाम जरूर याद रखेगा, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पहला एंटीबायोटिक्स प्राप्त किया जिसका नाम पेनिसिलिन है। अब यहां पर देखिए कि कितने पॉइंट्स आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल कि ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ, ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक जिसे हिंदी में प्रतिजैविक पदार्थ कहा जाता है, तो ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ, तो उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। यह है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन कवकों से प्राप्त होता है, और किस कवक से प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम से, और किसने प्राप्त किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और कब प्राप्त किया था? 1930 ईस्वी में इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कवकों में जो प्रजनन होता है, एक और इससे लाभदायक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो अक्सर वो भी एग्जाम में आता रहता है। जैसे एक कवक है जिसका नाम है सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी, जिसे आप लोग ईस्ट के नाम से जानते हैं, तो सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी नामक कवक स्टार्च को, याद रखिएगा, स्टार्च को एथिल एल्कोहल यानी केमिकल फार्मूला C2H5OH, जिसे आप लोग शराब बोलते हैं, एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो होता क्या है कि सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी यानी ईस्ट जो होता है वो स्टार्च को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, इसलिए शराब उद्योग में, एल्कोहल इंडस्ट्री में शराब का निर्माण करने के लिए इस कवक का उपयोग किया जाता है। तो दो सवाल और कि ऐसा कौन सा कवक है जो स्टार्च को एथिल एल्कोहल में बदलता है, सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी, या ऐसा कौन सा कवक है जिसका उपयोग हम लोग
शराब उद्योग में एल्कोहल के निर्माण में करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसीज सर्वेसी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक भोजन है, प्रसिद्ध भोजन, जिसका नाम आप जानते हैं मशरूम, जिसकी सब्जी बनती है और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। मशरूम जो होता है ये कवक वर्ग का ही पौधा होता है, कवक वर्ग का ही पौधा है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसका वैज्ञानिक नाम है एगारिकस बाई स्पोरस। एगारिकस बाई स्पोरस इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे इंडियन मशरूम भी कहा जाता है, इंडियन मशरूम। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस कवक को इंडियन मशरूम कहा जाता है तो एगारिकस बाइस्पोरस, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए कि कवकों में जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधियों के द्वारा होता है। कवकों में प्रजनन एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड दोनों विधियों के द्वारा कवकों में प्रजनन होता है। अब इसके बाद आपने दूसरा जो आर्टिकल था यानी कि बैक्टीरिया के बाद कवक को पढ़ा, अब तीसरा आर्टिकल आप हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है शैवाल। तो हेडिंग डालिए तीसरा शैवाल, उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। शैवाल जिसे इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। पहला पॉइंट स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी। दूसरा पॉइंट प्रोफेसर अयंगर IYENGER, प्रोफेसर अयंगर को फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी यानी भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट शैवाल स्वपोषी होते हैं, याद रखिएगा शैवाल स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। क्यों खुद बना लेते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, शैवालों की कोशिका भित्ति, शैवालों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल ऑफ एल्गी, शैवालों की कोशिका भित्ति पेक्टिन, बोर्ड पर लिखा है आप ध्यान से उसको देखेंगे, पेक्टिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। सेंटेंस आपका होगा कि शैवालों की कोशिका भित्ति पेक्टिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ये बहुकोशिकीय होते हैं, कई कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए
इनमें जो प्रजनन होता है, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, वो अलैंगिक विधि से प्लस लैंगिक विधि से दोनों प्रकार से होता है, जैसे कवकों में वैसे ही इनमें भी होता है। फिर ये हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं, लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा और फिर से कुछ नई इन्फॉर्मेशन को लिखूंगा। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यहां पर अब ध्यान देते हैं कि हमारे लिए ये लाभदायक कैसे है, वो सारे पॉइंट्स यहां पर मैं बोर्ड पर लिखूंगा। तो पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सवाल है जिसका नाम है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया नामक सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वो छूट रहा था कि सैवाल जो होते हैं वो जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, और सैवाल समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। तो ये जलीय होते हैं, समुद्री यानी लवणीय जल, सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, उसको कहीं पर आप लिख लीजिएगा। तो लैमिनेरिया नामक सैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। और एक सैवाल है जिसका नाम है अल्वा। अल्वा नामक सैवाल को, अल्वा नामक सैवाल को भविष्य का भोजन कहा जाता है, भविष्य का भोजन कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस सैवाल को भविष्य का भोजन कहते हैं, अल्वा को। जापान में आजकल इसका उपयोग सलाद के रूप में, सैलेड के फॉर्म में किया जाता है, और ये उम्मीद की गई है कि आने वाले समय में लोग इसका भरपूर भोजन के रूप में उपयोग करेंगे, इसलिए इसे भविष्य का भोजन कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक सवाल है जिसका नाम है ग्रैसिलेरिया तथा जिलेडिनम। दो सवाल, एक का नाम है ग्रैसिलेरिया तथा जिलेडिनम से अगार अगार, अगार अगार जिसे इंग्लिश में एगार एगार कहा जाता है, एगार एगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। एगार एगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एगार एगार क्या होता है। तो एगार एगार एक प्रकार का कल्चर मीडियम होता है, यानी कि एक माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों का कल्चर करते हैं, कल्चर करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रयोगशाला में जीवाणुओं को उगाने के लिए या अन्य छोटे सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए अगार अगार का प्रयोग किया जाता है। और ये जो अगार अगार होता है वो हमें ग्रैसिलेरिया और जिलेडिनम नामक सवाल से प्राप्त होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सवालों को, सवालों में तीन प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं,
और इन तीन प्रकार के वर्णक के आधार पर शैवालों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो एक तरफ मैं लिखूंगा क्लास, यानी कि कौन कौन सा वर्ग है, और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा पिगमेंट। पिगमेंट जिसे हिंदी में बोला जाता है रंगा पदार्थ या रंगीन पदार्थ, कुछ भी। और तीसरी तरफ मैं लिख दे रहा हूं कलर, यानी किस कलर का ये होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला है जिसे बोला जाता है क्लोरोफाइसी, ये वर्ग का नाम है क्लोरोफाइसी, और इसमें जो रंगीन पदार्थ होता है उसका नाम है क्लोरोफिल। और ये ग्रीन कलर का होता है इसलिए इसे बोला जाता है ग्रीन एल्गी, यानी हरे शैवाल, क्लोरोफिल के कारण ये हरा होता है। दूसरा है जिसे बोलते हैं फियोफाइसी, फियोफाइसी ये वर्ग है, और इसमें जो रंगीन पदार्थ होता है उसका नाम होता है फ्यूकोजैंथिन, और ये ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, इसलिए इसे बोला जाता है ब्राउन एल्गी। तीसरा है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, और ये जो रंगीन पदार्थ होता है उसे बोला जाता है फाइको एरिथिन, और ये रेड कलर का होता है इसलिए इसे बोला जाता है रेड एल्गी। तो इस तरीके से शैवालों को तीन वर्गों में बांटा गया है, पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इसमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल, इसमें फ्यूकोजैंथिन, इसमें फाइकोएरिथिन वो ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी, और नीचे वाला रेड एल्गी होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चौथे आर्टिकल को पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन, सबसे पहले तो यहां पर इसके बारे में याद रखेगा कि ये सहजीवी होता है। सहजीवी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि ये दो जंतु एक साथ, जब दो जीव एक साथ रहते हैं तो उसे बोला जाएगा सहजीवी, जैसे कवक और शैवाल दोनों का सहजीवी रूप जो होता है, याद रखिएगा कवक और शैवाल दोनों का सहजीवी जो रूप होता है उसे लाइकेन कहा जाता है। तो पहला प्रश्न कि जब कवक और शैवाल दोनों सहजीवी अवस्था में पाए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, लाइकेन। या दूसरे प्रश्न में इसको ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि लाइकेन किसका सहजीवी रूप होता है, कवक और शैवाल का होता है।
अब यहां पर सहजीवी का मतलब यह होता है कि कवक को शैवाल से फायदा है और शैवाल को कवक से फायदा है, दोनों को फायदा कैसे है वो देखिए। शैवाल के बारे में मैंने बोला था कि शैवाल स्वपोषी होता है और कवक जो होता है वो परपोषी होता है। तो शैवाल अपना भोजन खुद बनाता है और अपने द्वारा बनाए गए भोजन को किसको दे देता है, कवक को। तो कवक शैवाल से क्या प्राप्त कर लेता है, भोजन प्राप्त कर लेता है। फिर अभी मैंने कहा कि शैवाल को रहने के लिए जल चाहिए और कवक शैवाल को क्या प्रोवाइड कर देता है, आवास, रहने का स्थान देता है। तो कवक शैवाल को आवास और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिससे ये दोनों सहजीवी अवस्था में पाए जाते हैं और इसे बोला जाता है लाइकेन। लाइकेन को बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लाइकेन को वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। क्योंकि कहते हैं क्योंकि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होने पर लाइकेन काला पड़ने लगता है, काला पड़ने लगता है। यहां पर ध्यान दीजिए कि सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि किसे प्राकृतिक वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका लाइकेन। और अगर यही सवाल पूछा जाए कि लाइकेन वायु में किसके प्रदूषण को की सूचना देता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण की सूचना देता है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी विलयन की अम्लता तथा क्षारकता, किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता की जांच करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। और ये लिटमस पेपर जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है और यह हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, तो किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता की जांच करने के लिए, सेंटेंस आपका ऐसे होना चाहिए कि किसी भी विलयन की अम्लता तथा क्षारकता की जांच करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है और यह सेलुलोज नामक पदार्थ से मिलकर बना होता है और यह हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने पौधों के क्लासिफिकेशन का पहला वर्ग पढ़ा जिसका नाम है थैलोफाइटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।